Oh, very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 8. And the name of the chapter 8 is Trigonometry. In this lecture, I am going to take exercise 8.4 and try to solve each and every part of the exercise 8.4. So this video is going to be more and more interesting. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and please watch the video from start to the end, because in this lecture I am going to take each and every question without cramming, without learning, without any rectifications. तो यहाँ आपको कोई भी questions learning से नहीं करना, rectification से नहीं करना, आपको understand करके concept को लेकर चलना है, क्योंकि ये 10th class है आपकी starting की. आप 11th class में भी trigonometry मिलेगी आपको, और 12th क्लास तो टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री है. यदि आपको यहाँ 10th का लेवल क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप 11th में पजल हो जाओगे, आपको टफ लगेगी. और 12th में तो ट्रिग्नोमेट्री आपको करनी ही पड़ेगी यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हो, अदरवाइज आप 12th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि टोटली बेस्ड ऑन किस पे है, वो ट्रिग्नोमेट्री पर ही. तो यहाँ पे कोई रेटिफिकेशन नहीं करते, यहाँ सारी चीज अंडरस्टैंडिंग करनी है. यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन समझाने का वे जो मेरा रहेगा वो रहेगा ग्राफिकली अप्रोच, कोई रेटिफिकेशन नहीं. हम हर चीज का ग्राफिकली देखेंगे, कुछ सोच के देखेंगे, माइंड में उसकी इमेज क्रिएट करेंगे, और माइंड में इमेज को क्रिएट करके तो माइंड में ही उस आइडेंटिटीज का अंडरस्टैंडिंग व्यूज हम अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे. तो हमें रेटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन में. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये एक्सरसाइज सबसे टफ है, और मैं कहूंगा कि ये एक्सरसाइज सबसे इजी है. कैसे इजी है? जब पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप खुद ही कहोगे ये एक्सरसाइज तो सबसे इजी एक्सरसाइज है, और इसी एक्सरसाइज में से हाईएस्ट मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है. आप कहोगे यस, आपके 5 मार्क्स और 6 मार्क्स तो कंफर्म हो गए, इतनी इजी है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं 100% अटेम्प्ट कर दूंगा, डेफिनेटली कहोगे आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द वीडियो. क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी रेटिफिकेशन नहीं कराऊंगा, सारी चीज अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में कराऊंगा. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चन को सोल्व करना है, प्रूव करना है. तो सबसे पहले हमें बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है. आपने ये आइडेंटिटीज मैंने लिखी है, कुछ आइडेंटिटीज बहुत सिंपल आइडेंटिटीज है जो आपने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में रीड कर चुके हो, सभी को आती होगी. लेकिन मेरा मेन पर्पस ये नहीं था कि आपको दोबारा से रेटिफिकेशन कराना था, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस प्रूव होंगे तो ये आइडेंटिटीज यूज होगी. अब ये आइडेंटिटीज को याद करने का आसान तरीका ग्राफिकली अप्रोच क्या बताते हैं. जैसे सबसे पहला आइडेंटिटीज आपको सभी को याद है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे मैं x प्लस वाई कर देता हूँ, x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो भी सब बच्चे क्या लिख के आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे x है और ये y है, और तुम प्रूव कर रहे हो a और b में, तो x और y और a और b तो डिफरेंट चीज हो गई, तो क्वेश्चन कैसे प्रूव कर रहे हो, आइडेंटिटी कैसे यूज कर रहे हो, आपको सिर्फ रेटिफिकेशन से आ गई. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्चुअली मतलब क्या है, ये कहता है कि यदि दो नंबर है उनके सम का होल स्क्वायर करना चाहते हो तो वही रिजल्ट आपको यदि ऐसे करेंगे तो भी मिलेगा, कि पहले नंबर का स्क्वायर करिए, फिर दूसरे नंबर का भी स्क्वायर करिए, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर दो. अब तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलता है. जैसे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया, सेकेंड नंबर का स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, और दोनों की मल्टीप्लाई ए बी बन गया, और मैंने इसको डबल कहा तो 2ab बन गया. तीनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी बन गई. ऐसे ही यहाँ पे जब हमने सेकंड आइडेंटिटी देखी, कि यदि स्टूडेंट्स रट्टा भी कर लेते हैं ये आइडेंटिटीज का, तो एक आइडेंटिटीज को कंपैरिजन करके आप सेकंड आइडेंटिटी याद करिए, फिर उसी आइडेंटिटीज को कंपैरिजन करके थर्ड करिए. अब अलग आइडेंटिटीज को लर्न मत करिए, आप क्या करना है, कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन हम हमेशा क्या है, याद रहता है, माइंड में जल्दी स्टोर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कैसे, जब आप किसी को कंपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी में जा रहे हो, आपने कोई सूट डाला हुआ है, कोट पैंट डाला हुआ है, और दूसरा सामने आपको एक पर्सन दिखाई देता है वो भी कोट पैंट डाले होता है, तो आपके माइंड में उस पर्सन की एक इमेज बन जाती है, भाई इसने किस कलर का डाला हुआ है, मैंने कौन से कलर का डाला हुआ है,
मेरे यहाँ पे बैच लगा हुआ है, उसके यहाँ पे बैच नहीं लगा हुआ, आपके माइंड में कंपैरिजन आ जाते हैं। और यदि मैं 10 दिन बाद पूछूंगा कि वो जिन्होंने वो कोट पैंट डाला हुआ था, आप उसके सारे डिटेल बता दोगे, यस हाँ उसने व्हाइट कलर का कोट डाला हुआ था, उसके इसमें वो डले हुए थे, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में क्या था, आपने उसको क्या करा, ग्राफिकली अप्रोच समझा, कंपैरिजन करके देखा कि मेरे साथ और उसमें क्या डिफरेंस है। तो वो इमेज आपको हमेशा याद रहती है, यही अप्रोच हम यहाँ यूज करेंगे। अब मैंने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यदि मैंने a प्लस बी की बजाय a माइनस बी कर दिया तो चेंज क्या आया? तो मैंने देखा कि कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ जहां मल्टीप्लीकेशन होती है उसका साइन चेंज होता है। तो देखा कि ये भी सेम आता है, ये भी सेम आता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, जहां साइन चेंज होता है मल्टीप्लीकेशन वाले का। इसका मतलब मेरी पहली आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो दूसरी आइडेंटिटी हम याद क्यों करें, हम तो पहली आइडेंटिटी हम समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्वेश्चन कहता है कि माइनस है, तो हम कह देंगे कि जो प्लस जो मल्टीप्लाई की टर्म थी ab वाली, उसका साइन चेंज कर दो। तो वही क्या है, वही आइडेंटिटी बन गई, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ऐसी थर्ड आइडेंटिटी आ जाती है आपकी a प्लस बी होल क्यूब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस आइडेंटिटी को गलत करते करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये आइडेंटिटी है कितनी सिंपल, आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। मैं पहली आइडेंटिटी की बात करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब। तो डिफरेंस करिए, कंपैरिजन करिए, क्या कंपैरिजन आया कि यहाँ पे a प्लस बी तो यहाँ पे भी है, दोनों में है, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है। इसका मतलब जहां 2 आता था वहां पे हम 3 कर दे, जहां 2 आता था वहां 3 कर दे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ a स्क्वायर था, a 2 था, तो यहाँ a 3 बन गया, यस। यहाँ b 2 था तो ये b 3 बन गया, यस। यहाँ 2 था a b तो यहाँ 3 a b बन गया, यस, बिल्कुल इजी है। चेक करिए क्या यही नहीं है, a 3 b 3 3 a b, ये तो बिल्कुल सेम है, यस, वेरी गुड। ये आइडेंटिटी वही आइडेंटिटी है, बिल्कुल सेम थे, पहली आइडेंटिटी है ये। तो अब देखो ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, नेचुरली एक की पावर कम एक की पावर ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी होगी उसमें, यस। तो क्या टर्म है, जोन सी टर्म ए प्लस बी कर रहे हो, वो लास्ट में और अटैच कर दो उसके साथ ए प्लस बी, हो गया क्वेश्चन सेम। तो आइडेंटिटी ये थर्ड आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटीज है, ये पहली आइडेंटिटीज ही है, याद हो गई, कोई रेक्टिफिकेशन करा नहीं करा, आपने पहली आइडेंटिटीज का कंपैरिजन करा और निकाल दिया, सॉल्व कर दिया, कितना इजी हो गया। फोर्थ आइडेंटिटी देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहां भी क्या है, अब सिर्फ माइनस चेंज हुआ है ना, तो सिर्फ माइनस का मतलब क्या है, साइन चेंज करना है। अब देखो ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये प्लस था तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस था तो ये माइनस कर दिया, क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये चार आइडेंटिटी थी, एक आइडेंटिटी याद हुई, चारों याद होगी अपने आप ही, अब रट्टा मारने की क्या जरूरत है आपको, कोई जरूरत नहीं है। तो इसी टाइप से कंपैरिजन करके हम हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन कितने इजी बन जाते हैं। आइडेंटिटीज कुछ और नहीं होती, सिंपल तरीका होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। अब देखिए इसके बाद हम तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं कहता हूं हार्ड, मैं इसको मैथमेटिक्स से हार्ड कहता हूं, दिल कहता हूं। ऐसा क्यों कहता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग तो जितने परसेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके 90% क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज होती है, कहीं ना कहीं एक स्टेप तो यूज होगा ही होगा, ऑलमोस्ट 90% मैथमेटिक्स क्वेश्चंस में। तो आपको जब ये कहा जाता है कि 90%, यदि आपको ये कहते हैं कि एग्जाम में 100 में से 90% नंबर लेने हैं, तो आप कितना हार्डवर्क करते हो, तो आपको ये पता है कि 100% में से 90% क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज होती है, तो फिर इस आइडेंटिटी को बोलना कैसे सकते हो आप, नहीं बोल सकते। और कुछ हैवी आइडेंटिटी क्या कहता है कि दो नंबर है, दोनों का स्क्वायर के बीच में यदि माइनस का साइन आ जाता है, इनको माइनस करना है, कट करना है, दो नंबरों का स्क्वायर आता है और बीच में माइनस आता है, उन दोनों को माइनस करना है, तो वो कुछ और नहीं है, वो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, किस किसकी, एक बार दोनों नंबर को ऐड कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो और रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करो ए प्लस बी बन गया, दोनों को माइनस करो ए माइनस बी बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर है।
एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, फिर दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया? अब ये ए और बी मत समझो, ये क्या है, टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, और बीच में साइन माइनस, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस में सेकंड टर्म, और दोनों के रिजल्ट को मल्टीप्लाई, बस। चाहे टर्म छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यही सोल्व करना है। ऐसे यहां पे टू है, अब यहां थ्री आ जाए, अब थ्री आइडेंटिटीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, कैसे करनी है, सर्टिफिकेशन की जरूरत है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो एक बार दोनों को माइनस कर दो, जहां पे आपने यहां पे माइनस करा, देखो ए माइनस बी करा, यहां भी माइनस कर दो, ए माइनस बी हो गया। अब फिर आपने इन दोनों को ऐड करा, अब इनको भी ऐड कर दो, ए प्लस बी, अब दिखाई दे रहा है ये टू है ये थ्री है, तो पावर एक ज्यादा पावर है, तो यहां पे ए प्लस बी करा था, यहां पे दो पावर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो दोनों की मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी भी आती थी, इसका मतलब यहां पे एक टर्म और भी आएगी, ए और बी, तो आपको याद हो गया कि ए और बी भी आनी चाहिए, हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, पहले तो दोनों की माइनस, ए माइनस बी, फिर दोनों का एड, ए प्लस बी, दोनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में ए बी, तो ये आइडेंटिटी बन गई। ऐसी इस आइडेंटिटी को देखो, प्लस है, प्लस है, तो पहला प्लस वाला लिखो, ए प्लस बी, फिर दोनों की टर्म लिखनी है, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में प्लस आता था, सॉरी नेगेटिव वाले में क्या आता है यहाँ पे प्लस, और पॉजिटिव वाले में यहाँ क्या आता है नेगेटिव, तो आप ये समझ जाइए बस, जहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब है वहां यहाँ पे क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन वाले में पॉजिटिव साइन चेंज होता है, और नेगेटिव वाले में पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले में क्या आता है नेगेटिव, आइडेंटिटी याद होगी। अब बताइए ये आइडेंटिटीज क्या थी, कोई नई आइडेंटिटी थी, नई आइडेंटिटी। अब इन्हीं आइडेंटिटीज को हमें सीखना है, सीख चुके हम, अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रीज पर, आई होप आपको समझ आया होगा। सो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, इन सब आइडेंटिटीज को आप याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, आई होप आपको ये तो याद करने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि आप इस ग्राफिकल अप्रोच को समझ चुके हो, फिर भी आपने इस नोट, इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए, प्लीज नोट। अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये आपको एबीसीडी भी नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाओगे, कैसे करेंगे उसको समझिएगा बिल्कुल। जब हम ट्रिग्नोमेट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सिक्स टाइप के फंक्शन यूज करते हो, अब मैं वन बाय वन का नाम भी बताता हूँ आपको, स्टार्टिंग से ही कराएंगे, आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और आपको डेफिनेटली सिक्स मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। अब हम स्टार्टिंग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है साइन थीटा, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को थीटा नहीं पता, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम, थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एंगल, कि एंगल आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, क्या एंगल है, तो उन एंगल को लिखने के लिए आप थीटा भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं थीटा, अदर्स एग्जांपल भी यूज कर सकते हो, लाइक ए बी सी, ये भी सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके एंगल, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिख देता हूं साइन ए, तो यहां साइन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब साइन फंक्शन आता है तो उसके साथ उसका एंगल भी आता है, यदि आप उसको एंगल को अलग कर दोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा, तो इसलिए सर कभी भी एस आई एन नहीं लिखना, उसके साथ एंगल को जरूर लिखना, यदि ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत। तो पहला फंक्शन कौन सा आता है आपका, साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन के बाद सेकंड फंक्शन होता है, साइन फंक्शन का जो ब्रदर कहते हैं उसको कहते हैं कोस फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या होता है आपका, कोस फंक्शन, तो इसको लिखते हैं कोस थीटा, यहां तक समझा गया आपको। अब ये दोनों फंक्शन से हम नए चार फंक्शन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कि यदि दोनों फंक्शन को मैं डिवाइड कर देता हूं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से एक नया फंक्शन बन जाता है, जिस फंक्शन को कहते हैं टेंजेंट थीटा, क्या कहते हैं इसको, टेंजेंट थीटा, कब बनता है, जब दोनों को डिवाइड करते हो। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि कहीं पे यदि आपको टेंजेंट थीटा लिखा है
और क्वेश्चन को प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स में। तो देखिए सिंपल से एक पजल है, आपको पजल दी गई है टेंजेंट थीटा में और उसका सॉल्यूशन दिखाना है आपको साइन और कोस में। तो आपके पास पता है कि टेंजेंट थीटा को आप चेंज करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कोण में कोस थीटा। तो जहां जहां आपको टेंजेंट थीटा दिखाई देगा आप उसको हटा दोगे और उसकी जगह क्या लिख दोगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा। यहां तक समझ आया, यही पजल है आपकी कि आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और अपने फोकस किस पे करना है, राइट हैंड साइड पे, कि राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करेंगे ताकि वो बन जाए। इतना समझाया, यदि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट थीटा है और राइट हैंड साइड पे टर्म है साइन की टर्म्स में या कोस की टर्म्स में, तो डेफिनेटली टेंजेंट थीटा को चेंज कर लेना। क्या लिखोगे टेंजेंट थीटा को, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये स्टेप समझ आ गया। तो इसी को मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं, ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई समझेंगे ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको रट्टा मारने लग जाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। अरे ये याद रखो ना सिंपल, कि पहला फंक्शन साइन होता है और साइन का भाग होता है कोस थीटा, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो उनका एक नया फंक्शन बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट थीटा। बस क्या फॉर्मूला ये, तो टेंजेंट थीटा का भी आ जाता है तो हम उनको दोनों भाइयों को डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। तो याद करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अब इन तीन फंक्शन के लिए बात हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आते हैं इनके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा। अब मेरा सर ऊपर है पैर नीचे है, मैं अपने आप को उल्टा कर दूंगा तो क्या होएगा, पैर ऊपर आ जाएंगे सर नीचे आ जाएगा। यस, यही करना है आपको। इसका मतलब क्या है, यदि कोई टर्म ऊपर है तो रेसिप्रोकल करते हो तो क्या होता है, वो टर्म घूम के नीचे आ जाती है, और कोई टर्म नीचे है तो वो घूम के कहां जाती है, ऊपर आ जाती है। यहां तक समझ आया। अब जब हमने इन तीनों फंक्शन को देखा और इनका करना चाह रहे रेसिप्रोकल, तो हमें कुछ नए फंक्शन मिल गए। कौन कौन से फंक्शन मिले, उनको उल्टा करके उसको देखिए। पहला फंक्शन था हमारा साइन थीटा और हमने इसको उल्टा कर दिया, इसकी टांग पकड़ के ऊपर कर दी, ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया साइन थीटा कहां चला गया, नीचे चला गया, तो इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये टू एक नंबर है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आप इसका मतलब क्या होता है, उसके डिवाइड में वन तो होगा ही ना, टू बाई वन कितना होता है, टू ही होता है। इसका मतलब यदि आपको किसी के डिवाइड में कुछ दिखाई नहीं देगा तो नेचुरली उसके डिवाइड में वन तो है। अब इसको उल्टा कर दोगे तो वन ऊपर जाएगा और टू नीचे, इसलिए साइन थीटा बाई वन। तो इसको उल्टा कर दोगे तो वन ऊपर आ गया और साइन थीटा नीचे आ गया, बन गया ये। इसका मतलब ये क्या बन गया, वन बाई साइन थीटा। तो हमने साइन थीटा की टांग पकड़ी और उसको उल्टा कर दिया तो वन अपॉन में साइन बन गया। और इसी को एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको, कोसिकेंट थीटा। यस, इसको नाम दे दिया हमने कोसिकेंट। यहां तक समझ आया, यस, वेरी गुड। अब इससे आता है कि ऐसे जैसे हमने साइन की टांग पकड़ के उल्टा कर दिया तो कोस की भी कर दी जाए, करो कोस को भी बिल्कुल, क्या कोस है, कोस को भी उल्टा कर दो, कोस को भी उल्टा कर दिया तो इसका नाम क्या बन जाता है, सिकेंट थीटा। तो कोस को उल्टा करने से क्या फंक्शन बन जाता है, सिकेंट थीटा। तो एक और चीज पता चल गई। ऐसे हमने फिर देखा, हाँ हाँ ये लास्ट हमारा टेंजेंट भी तो है, टेंजेंट को भी तो उल्टा कर सकते हैं हम, कर दो टेंजेंट को भी उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन में टेंजेंट थीटा। तो इसको कहते हैं कोटेंजेंट और इसको सिंपल लिख देते हैं कोट थीटा। तो ये एक फंक्शन और बन गया हमारा। तो कोट थीटा आ जाए तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। यहां तक समझ आए। तो यहां पे आपके छह फंक्शंस बन गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। तो याद करने की जरूरत पड़ी, दोबारा बताता हूँ कैसे याद करना है। ग्राफिकली अप्रोच, माइंड में अप्रोच चूज करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं करना। पहला साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है, साइन से। साइन के ब्रदर का नाम क्या है, कोस। जब दोनों भाइयों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो एक नया फंक्शन बन जाता है, क्या कह देते हैं उसको, टेंजेंट। यस, तो यहां तक सोल्व हो गया।
फिर हमने देखा यदि इनको उल्टा कर दे, इनकी टांग पकड़ के ऊपर उल्टा कर दिया जाए तो तीन नए फंक्शन बन जाते हैं। कैसे? यदि साइन को उल्टा करते हैं तो वन अपॉन में साइन बन जाता है और उसका नाम क्या लिख देते हैं, कोसेकेंट। कोस का रेसिप्रोकल करते हैं तो उससे सेकेंट फंक्शन बन जाता है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल करते हैं तो उससे क्या मिल जाता है, कोटेंजेंट फंक्शन, जिसको कोट थीटा भी बोल देते हैं। सिक्स फंक्शन आ गए। अब हमें इसके थोड़ा सा और डीप में जाना है। कैसे डीप में जाना है उसको समझिए। हमने देखा कि अभी इनमें से कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो यदि हमारा क्वेश्चन में कोट थीटा आ जाता है और हमसे कहता है कि कोट थीटा को प्रूव करना है साइन थीटा की टर्म्स में और कोस थीटा की टर्म्स में, लेकिन ये तो कोट थीटा टेंजेंट थीटा की टर्म्स में है, लेकिन एक और जुड़ाओ, टेंजेंट किसका क्या होता है, साइन और कोस का डिवाइड फॉर्म होता है। तो जब हमने साइन टेंजेंट को उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया। ये क्या था, साइन बाई कोस, तो ये उल्टा होगी, क्या बन गया, कोस बाई साइन। इसका मतलब क्या हो गया, यस, कि कोट थीटा है आपके पास और आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में टेंजेंट चाहिए तो उसको वन अपॉन में टेंजेंट भी लिख सकते हैं। यदि कोट थीटा है, टेंजेंट की फॉर्म में नहीं चाहिए आपको, किसकी फॉर्म में चाहिए, साइन कोस, तो यस उसको कोस बाई साइन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बन गई चीज, कितना इजी है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट दिस, अभी क्योंकि इसी से आगे डिटेल में चलेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अभी हमने इस आइडेंटिटी को रब नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यहाँ क्या है, आपको इसको गेम की तरह ट्रीट बनाना। जब आपने गेम समझ लिया इसको तो डेफिनेटली कहूंगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चन आपको कभी भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सॉल्व कर पाओगे। अब हम थोड़ा माइंडली गेम सोचते हैं, अब इनको कुछ ट्रिकी बनाएंगे। ट्रिकी कैसे बनाएंगे, कुछ सॉल्व करके, कुछ और आसान तरीका, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो इसको और डिफरेंट टाइप से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से, मैं इसकी बात करता हूं सबसे पहले, ध्यान से देखिएगा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, वन अपॉन में साइन थीटा है, ये है, ठीक है। अब मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, दोबारा से रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, टांग पकड़ के उल्टा करना, फिर से मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, तो कोस के डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वन है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वन बाई कोसेकेंट थीटा, ये वन बाई साइन है, तो वन नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा, यहां तक समझ आया कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोसेकेंट हो और आपको साइन में प्रूव करना हो। क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा हो और राइट हैंड साइड में क्या हो, कोसेकेंट थीटा। तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन में कोसेकेंट भी तो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। यही चीज सीखनी है कि आपको जोन सी साइड दे रखी है उसके अपोजिट निकालना सीखना है आपको। तो आपने क्या सीखा, यदि कोसेकेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे साइन चाहिए तो आप इसको वन अपॉन में साइन लिख सकते हो। यदि लेफ्ट हैंड साइड पे साइन थीटा है और राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट थीटा है तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन में कोसेकेंट थीटा भी लिख सकते हो। इतना समझ आया, लेकिन ये मैंने इतना बड़ा तरीका करा, ये कुछ करा क्या है मैंने, सिंपल देखिए, साइन थीटा और ये दोनों यदि हम इसकी बात करते हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, वन इंटू वन क्या मिलेगा आपको, वन, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, यही मिला आपको। अब ये तो बहुत इजी आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, साइन और कोसेकेंट हो, लेकिन साइन और कोसेकेंट मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर तो वन ही होता है,
इजी है। तो अब इनको याद करने की बजाय हम इसी पे ना फोकस करें। हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलता है 1। ऐसे यहां करके देखिए, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 into 1 1, और cos into secant तो cos theta into secant theta, ये भी क्या मिलता है 1। इसको करके देखिए इन दोनों की रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा tangent theta multiply cos theta, किसके इक्वल आ गया, ये भी 1 के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चंस में यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे sin theta cos theta वगैरह टर्म है और आंसर में आपको आंसर है 1 2 3 स्टेप की टर्म में प्रूव करना है, तो नेचुरली ये आइडेंटिटी मिल गई, तो ये 1 2 1 इस फॉर्म में चेंज कर देगी इसको। अब इससे बेनिफिट क्या मिला आपको, अब ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसे क्यों नहीं पड़ी। अब देखिए, यदि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर cosecant थीटा है और राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है sin थीटा, तो cosecant को यही रखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली टर्म कहां जाती है डिवाइड में, तो cosecant इज इक्वल टू क्या बन गया, ये आपका sin का आंसर जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही आपको sin थीटा लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड साइड पे cosecant चाहिए, तो sin को यहीं पे रखो, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया, क्यों गया? इसका मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स बन गई। याद करने का सीखा कि क्या से आया कि sin और उसका रेसिप्रोकल दोनों की मल्टीप्लाई आपको बन देती है, cos और cos का रेसिप्रोकल secant दोनों की मल्टीप्लाई बन देती है, tangent और उसका रेसिप्रोकल cot दोनों की मल्टीप्लाई बन देती है। तो आप इन तीनों को याद रख लो, जोन सी लेफ्ट हैंड साइड में है दूसरी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो राइट हैंड साइड की टर्म में प्रूव हो जाएगा, समझ आया आपको। सो प्लीज मेक अप दिस आइडेंटिटी, हमेशा मेंबर माइंड में याद रखिए इसको ग्राफिकली, कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट उसको मिलके क्या बनता है, वह इस टाइप से माइंड में स्टोर करिए। अब देखते रहिए कि कितनी एक्सरसाइज कितनी इजी बन जाएगी, सो प्लीज मेक अ नोट। अब हमारा नेक्स्ट तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कहते हैं, उसको याद करना है। अब याद करने का तरीका भी कहूंगा भी कितना इजी है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना, कैसे अप्रोच आपको यूज करनी है ध्यान से रखिए। सबसे पहला फंक्शन साइन, साइन का भाई कॉस, भाई दोनों का स्क्वायर को ऐड कर दो तो वो दोनों भाई मिलके वन देते हैं, ये पहली आइडेंटिटी। क्या समझे कि पहली आइडेंटिटी, सबसे पहला फंक्शन साइन, दूसरा फंक्शन कॉस, दोनों को स्क्वायर कर दे और ऐड कर दे तो आपको आंसर कितना मिलता है 1 मिलता है। पहले आइडेंटिटी माइंड में स्टोर होगी, ऐसे मत याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको 1 देता है, नहीं, साइन पहला फंक्शन था उसका ब्रदर कॉस फंक्शन होता है, दोनों को स्क्वायर करके उसको ऐड करा जाए तो आपको आंसर क्या मिलता है 1 मिलता है, पहली आइडेंटिटी याद हो गई। यस, अब इन आइडेंटिटी से पहले अपने दो आइडेंटिटी और लिखते हैं, दूसरी आइडेंटिटीज कैसी है। अभी हमारे दो फंक्शन यूज हो गए, अब दो रह गए, दो मैं और लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एक याद कर लीजिए 1 plus tangent theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है secant theta का होल स्क्वायर, क्या समझ आया इसमें कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर करने से और उसको 1 के साथ ऐड कर दिया जाए तो ये फंक्शन हमें क्या देता है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर देता है, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी, पहली याद हो गई। दूसरी को थोड़ा सा माइंड में हिंट याद रखोगे तो याद हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल, इतना समझ आ गया। अब थर्ड आइडेंटिटी हमें याद करने की जरूरत नहीं, इसी से बनाएंगे। अब देखो हमारे चार फंक्शन यूज हो गए, साइन यूज हो गया, कोस यूज हो गया, टेंजेंट यूज हो गया, सेकेंट यूज होगा, अब कौन से रह गए, एक तो कोट थीटा रह गया और एक कोसेकेंट सीसी वाले रह गए। अब यहां देखो थर्ड
थर्ड एडिटिविटी हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ वन है तो ये वन ही आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? कोट थीटा आएगा। अब कौन सा फंक्शन रह गया? साइन, कोस, टेंजेंट, सेकेंट, कोट, अब एक ही रह गया और वो क्या है आपका? कोसेकेंट। हो गई तीन आइडेंटिटीज, बस यही तीन आइडेंटिटीज। अब बताइए क्या हो गई यार, रट्टा कैलकुलेशन करना पड़ा? नहीं, थोड़ी सी माइंड में अप्रोच यूज करी और ये सॉल्व हो गया। अब देखिए हम इसको थोड़ा और पैटर्न वे से करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपका स्टूडेंट्स इस चीज में पजल हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होते हैं पजल? आप देखिए ध्यान से, मैं जब ये लिखता हूं साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इसी को लिखने का एक तरीका होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन, और जो ये पावर होती है ना, ये पावर यहां लिखी जाती है इसके ऊपर, साइन के ऊपर, साइन स्क्वायर और थीटा को थोड़ा सेपरेट करके ऐसे लिखा जाता है, तो साइन स्क्वायर और फिर बोला जाता है थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है। तो याद रखिए यहां पे ये साइन के ऊपर टू होता है, थीटा के ऊपर टू नहीं होता, तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता। याद रखा कि एंगल का स्क्वायर नहीं है, थीटा का कोई रोल नहीं है इसमें। तो यदि ऐसे लिखा गया है इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये क्या है? ऐसे ही है कि साइन फंक्शन है और उसकी पावर कितनी है? टू है। तो इस अप्रोच में इसको याद रखिए। तो इसी अप्रोच को मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगा, तो कैसी अप्रोच में लिखूंगा इसको? ये पावर यहां लिखी हुई थी, तो पावर को मैं यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना देता है हमें? वन। पहला समझा गया। फिर क्या रहा? वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो स्क्वायर ऊपर लिखो और थीटा थोड़ा सेपरेट करके, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड कौन सी है? वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल है ये? कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहां तक समझाया? बताइए किसी को डाउट हो तो इसमें। तो इसी को मैंने इस टाइप से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएंगे जब हमने सारा बेस कर लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप कहोगे इतने आसान क्वेश्चन है ये। यहां तक समझाया? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि जितना हमने रीड करा है ना उतना ही है बस अभी क्वेश्चंस में। अब कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उसको बैंड बजाएंगे, उसकी सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से। आई होप आपने एंजॉय कर रहे होंगे, सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन, आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब मैंने जो हमने सीखा है मैंने उसको हाईलाइट करके यहीं लिख दिया। एक आपने सीखा टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, दोनों ब्रदर को डिवाइड कर दो तो टेंजेंट थीटा बनता है। फिर आपने देखा है कि साइन का रेसिप्रोकल कोस सेकेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करें वन, कोस और सेकेंट को मल्टीप्लाई करें वन, टेंजेंट और कोट को मल्टीप्लाई करें वन मिलता है। फिर आपने कोट थीटा पढ़ा कि टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये साइन बाई कोस है तो ये उल्टा होकर क्या बन गया? कोस बाई साइन बन गया। तीन ये आइडेंटिटीज आपको याद हो गई। अब हम इन्हीं का रोल यूज करेंगे और हर क्वेश्चन में, मैं इसको रब नहीं करूंगा, आपको माइंड में इसी पे फोकस करना है, आपने समझ भी चुके हो विदाउट एप्लीकेशन, अब प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, एक्सरसाइज 8.4 का, एक्सप्रेस मतलब आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, इनको फंक्शन भी कह सकते हो, उसको रेशियोज भी कह सकते हो। साइन ए सेकेंड ए टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोण ए, इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 10 रुपए है और इसको
दो रुपए और 1 रुपए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ, दो मेरे 2-2 रुपए के कॉइन्स हो गए और 6 मेरे 1 रुपीज के कॉइन्स है, तो 2 और 2 4 और 1 × 6 6, तो मैंने 10 रुपीज को एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म्स में, 2 रुपीज कॉइन में और 1 रुपीज कॉइन्स में। समझाया? मेरे पास 50 रुपीज है और मैं कहता हूँ इसको एक्सप्रेस करो 20 रुपीज नोट में और 10 रुपीज नोट में। तो आप क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो 2 20 रुपीज नोट और 1 10 रुपीज नोट, या ये कह सकते हो 1 20 रुपीज नोट और 3 10 रुपीज नोट, इनको ऐड करके आपको क्या मिलेगा? 50 ही मिलेगा। यस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये फंक्शन दे रखे हैं आपको, इनको एक्सप्रेस करना है, मतलब इनकी जो आंसर है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, कोट के फॉर्म में। समझा क्या? ये 50 रुपीज है और ये आपको 20 और 10 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए कैसे है? वही चीज कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, पहला पार्ट करते हैं साइन, हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। तो जब भी आपको एक्सप्रेस कहता है ना कि इस फंक्शन को एक्सप्रेस करो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस में, तो आसान तरीका होता है, बहुत निकालने का आसान तरीका। कैसे होता है? सबसे पहले आपको जो दे रखा है ना उसकी रिलेशन देखो, मैं उसको ऊपर वाले को भूल जाता हूँ कि किसमें करना है। इसने कहा है कि एक्सप्रेस करो, किसकी फॉर्म में करना है, कोट की फॉर्म में। इतना समझा गया? जहां कोट लिखा है ना, जिसकी फॉर्म में लिखा हुआ रिप्रेजेंट करना है, उसको देखो कि वो कहां पे आता है। ये रहा, आता है यहां पे कोट। तो जब भी एक्सप्रेस का क्वेश्चन आएगा तो आप इन तीनों पे फोकस करो। अब देखिए कहां पे गिवन है, यहां पे गिवन है, यहां पे एंगल थीटा था और यहां पे एंगल क्या है, ए। बस एंगल का नाम चेंज हो गया, वहां पे थीटा था, यहां पे एंगल का नाम ए, तो आपको ए ही लेके चलना है। तो अपना फंक्शन देखो, आपका फंक्शन आ गया कोट, तो आप इसको यूज करिए। आपको पता है, क्या पता है आपको, कि टेंजेंट ए मल्टीप्लाई कोट ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि यहां थीटा था, यहां पे मैंने ए कर दिया, क्योंकि हम आपको ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए आपको आंसर, हर एक आंसर कोट की फॉर्म में लिखना है, तो कोट को मूव कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट ए किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में कोट ए, कोट ए राइट साइड में आ गया, ये पहला आंसर आ गया कि टेंजेंट को आपने किसकी फॉर्म में लिख दिया, कोट की फॉर्म में लिख दिया। अभी तो क्या हुआ, दो ही हुए। अब आगे जाते हैं, अब क्या देखना है आपको, अब फोकस करिए कि टेंजेंट इनमें से कहां पर मिलता है, इन तीनों फॉर्म में से टेंजेंट कहां पर दिखाई दे रहा है आपको। यस, यहां पे टेंजेंट आ रहा है ना, जो उनसे फॉर्म में आ रहा है उसको यूज करो आप। अब क्या है, अब आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, किसके इक्वल होता है ये, सेकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एंगल आ गया ए। अब टेंजेंट थीटा या टेंजेंट ए की वैल्यू तो आपको पता है ना, क्या है ये, 1 अपॉन में कोट ए, तो इसको पुट कर दो 1 अपॉन में कोट ए। और याद रखिए जब ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में आएगा, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व कर सकते हो, इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये कोट स्क्वायर ए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, तो क्या बन गया ये, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये बन गया आपका। अब ध्यान दीजिए आपका यहां पे क्या है, सेकेंड स्क्वायर है, और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। तो अब यहां पे जब आप सेकेंड ए की वैल्यू निकालना चाहोगे, अब ये स्क्वायर वहां जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। यहां पर क्या है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 बातें एक होती है ना, मैं इसको उल्टा करके लिख दूं कोई फर्क है नहीं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड में क्या है, कोट स्क्वायर ए। यहां तक समझ आया? बट एक चीज और भी याद रखिए, जब आप स्क्वायर हटाते हो दूसरी साइड क्या जाता है, स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट मिलने पर आपको दो वैल्यूज मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती है और नेगेटिव वैल्यू भी।
इसलिए यहां पर मैं जब भी आप स्केयर हटाओगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगी, टू वैल्यूज मिलेगी, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। इसका मतलब सिकेंड ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, दो वैल्यूज मिलेगी, 1 + cot² / cot² लीजिए। लेकिन याद रखिए क्योंकि टेंजेंट थीटा कोट थीटा ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन अभी टेंथ लेवल के अकॉर्डिंग आपको सभी वैल्यू किसमें लेके चलनी है, पॉजिटिव में। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको वहां पे नेगेटिव भी यूज करनी पड़ती है, लेकिन अभी 10th लेवल के अकॉर्डिंग आपको जो भी वैल्यू गिवन होगी वो पॉजिटिव ही यूज करनी है। इसलिए यहाँ पे जब भी केसेस आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव के केसेस, मैं ओनली पॉजिटिव को कंसिडर करूंगा। इसका मतलब अब ये मुझे क्या मिल गई, इसको यदि मैं और सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, जो चीज नोट कर ली है उसको प्लीज मेक अ नोट करिए अच्छी तरह। नाउ प्लीज लुक एट, अब देखिए मैं क्या वैल्यू कंसीडर करूंगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो मुझे सीकेंट ए किसके इक्वल मिलेगा, पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, स्क्वायर रूट 1 + cot² है। आपका स्टूडेंट क्या करते करते यहां करते हैं कोट स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये तो कोट स्क्वायर में था तो स्क्वायर से बाहर आ गया। नहीं, जब तक कोई टर्म, ध्यान देखो यहाँ पे कोट स्क्वायर के साथ प्लस वन भी है, तो यदि 1 + cot θ का पूरे का स्क्वायर होता तो ये टर्म रूट से बाहर आता। तो ये सिंगल टर्म जब प्लस में है तो ये बाहर नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये टर्म तो रूट में ही रहेगी आपकी। लेकिन ये देखो ये तो सिंगल टर्म है ना, इसके साथ तो कोई प्लस माइनस नहीं है, और ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो जब सिंगल टर्म हो उसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं हो और स्क्वायर की फॉर्म में हो तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो ये क्या बन गया आपका cot A। ना समझ आ गया आपको, अब ध्यान से देखिए सेकंड निकल गया, अब सेकंड से एक और निकालो। अभी आप पहले यहां पे थे फिर यहां पे गए, अब यहां से फिर उल्टा यहां जंप मार जाओ, सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड है, सेकंड किसके साथ कनेक्ट होता है, cos के साथ होता है cos, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नहीं तो आपको यदि माइंड में इसकी इमेज क्रिएट हो गई है कि यदि साइन का उल्टा करते हैं तो कोसेकेंट मिलता है, और कोसेकेंट का उल्टा करते हैं तो क्या मिलता है, साइन मिलता है। ऐसे याद हो गया हो तो आपको ये याद हो गया होगा, कोस का उल्टा करते हैं तो सेकेंट मिलता है और सेकेंट का उल्टा करते हैं तो कोस मिलेगा, नेचुरली है। तो सेकेंट का जैसे प्रॉपर करेंगे अब यहां पर हम, तो ये 1/4 में क्या हो जाएगा सेकेंट ए, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, cot A ऊपर आ गया और ये टर्म नीचे आ गई। हमने क्या करा है, रेसिप्रोकल करें, और आपको पता है सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है cos, इसका मतलब ये आपको क्या मिल गया, cos मिल गया। तो cos की वैल्यू क्या आ गई, cot A डिवाइड बाई 1 + cot² A। कहां तक समझ आया आपको, सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए ध्यान से, अभी हमारे क्या रह गए, साइन और कोसिकेंट रह गया। अब देखिए हमारे को सबसे पहला फंक्शन क्या गिवन था, कोट गिवन था ना, हमने यहां से देखा। अब यहां से देखिए कोट कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, डेंटिस ये नहीं, कोट दिखाई दे रहा है आपको, यस बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिटीज क्या है आपकी, 1 + cot² θ किसके इक्वल है, ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे ए फंक्शन है तो सारे जगह ए चेंज कर दो, आपको हर एक को कोट के फॉर्म में करना है, तो यहां से कोसेकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, कोसेकेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट 1 + cot² A, और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन हम कौन सी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, ओनली पॉजिटिव, 1 + cot² A। तो अब ये देखिए कोसेकेंट की वैल्यू भी किसकी फॉर्म में निकल गई, कोट के टर्म्स में निकल गई,
अब फिर उसका यहाँ पर से अब देखिए ध्यान से, अभी आप इस आइडेंटिटी पर, अब फिर घूम के दरअसल क्या मिल गया आपको यहाँ पे कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो कोसिकेंट की वैल्यू ये है तो साइन की वैल्यू क्या आएगी मैं यहां लिख सकता हूं, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे वन ऊपर आ जाएगा, ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आंसर आ गया। तो हमारे को सब तीन आंसर कई जैसे हैं, टेंजेंट के, सेकेंट के और कोसिकेंट के, लेकिन हमने किसके निकाल दिए सभी के निकाल दिए। अब ऐसे ही आपको याद हो जाता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी है, आपको इन्हीं मेथड को यूज करना है और इन्हीं को पजल सॉल्व मान के इसको सॉल्व करना है। आई होप आपने समझ आए होंगे, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब क्वेश्चन टू भी बिल्कुल सेम है, अब जितना हमने टाइम वहां पे लगाया आप इस क्वेश्चन को देखिए कितनी इजी और कितनी फास्ट तरीके से करेंगे। वही क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसको सेकेंड की टर्म्स में, इसका मतलब आपका आंसर किसके फॉर्म में आना चाहिए सेकेंड। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, सेकेंड का रेसिप्रोकल करते हैं तो सेकेंड को उल्टा करते हैं तो क्या बनता है कोस, यस वेरी गुड। तो पहला स्टेप ये होता है कोस, कोस क्या होता है सेकेंड का रेसिप्रोकल, तो ये सेकेंड है तो सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या हो गया वन अपॉन में सेकेंड ए, पहला आंसर आ गया आपका, जो भी दे रखा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेकेंड का रेसिप्रोकल कोस था तो हमारा कोस में, इतना समझा गया। फिर देखिए कि सेकेंड कौन से रिलेशन में आता है, ये रहा आ रहा है, यूज करो इसको, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, तो यहां से वैल्यूज निकालिए टेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको आंसर सेकेंड के फॉर्म में चाहिए, ये क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन। अब यहां स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइए तो दूसरी साइड क्या आ गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर ए माइनस वन, यहां याद रखना जो आपका एंगल है आप हमेशा एंगल जीरो डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लेके चलना, क्योंकि यहां पे सभी वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब टेंजेंट ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन की वैल्यू मिल गई। अब आ जाइए इसका फिर से, जो वैल्यू मिली उसका फिर से रेसिप्रोकल करिए, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, यस तो आपको एक तो यहां से ही वैल्यू मिल गई और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या तो वन अपॉन में आ गया ये सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर रूट, हो गई थी इनको। अब फिर आ जाइए, अब आपको क्या मिल गया कोट, तो कोट कहां पे आता है इस आइडेंटिटीज में आता है, करिए यूज करिए वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये होता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, करिए सो कोसिकेंट की वैल्यू हमें यहां नहीं निकली, निकालिए सोल्व करिए कोट की वैल्यू क्या है पुट कर दो वन प्लस कोट स्क्वायर, यहां कोट ए की वैल्यू ये है इसका स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है और इसका स्क्वायर करने से रूट कट गया तो ये क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन, ये बन गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, मैं एलसीएम ले रहा हूं इसका, इसका एलसीएम क्या आ गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन, ये बन गया आपका सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन और ये प्लस वन है इट इज। अब देखिए वन से तो वन कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू मिली आपको सेकेंड स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन, किसकी वैल्यू मिली है ये आपको कोसेकेंड स्क्वायर की, तो कोसेकेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी रूट। तो प्लीज मेक अ नोट, फर्स्ट पहले इसको एक बार नोट करिए। अब ध्यान दीजिए आपको किसकी वैल्यू मिल गई कोसेकेंड स्क्वायर ए की, कोसेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल है सेकेंड स्क्वायर ए डिवाइड में
secant square a minus 1, यही वैल्यू है। अब सिंपल कोसेकेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वेयर हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वेयर रूट डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस वन। अब ये सिंगल टर्म है तो ये स्क्वेयर रूट से बाहर आ सकती है, लेकिन ये इसके साथ माइनस वन है इसलिए ये रूट में ही रहेगा माइनस वन। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, कोसेकेंट ए की मिल गई। अब आपको पता है कि कोसेकेंट कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। यस बिल्कुल ठीक है, इससे एक और वैल्यू मिल गई आपको साइन ए, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये टर्म ऊपर आ गई सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस वन और ये टर्म नीचे आ गई, हो गए सारे पार्ट हो गए। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एक्सप्रेस आ जाए तो जो चीज दी हुई है उसका रेसिप्रोकल करो, एक टर्म मिल जाएगी, फिर जो टर्म दी हुई है उसको इन तीनों में से सर्च करो कौन सा है उसको यूज करो, फिर जो टर्म मिलेगी फिर उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो, फिर रेसिप्रोकल को फिर इसमें सर्च करो, फिर जो टर्म मिले उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो। आपको सारे के सारे फंक्शन ये चार स्टेप में ही मिल जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा, सामने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, आपको है इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको नजरिया बताता हूँ कि कैसे सोचना कैसे होता है कि क्या करना है। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए भाई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कहाँ मैच करता है, क्या कहीं दिखाई दे रहा है, रुक जाओ, ये रहा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यहाँ पे आता है, लेकिन ये दोनों ऐड होके क्या मिलते हैं आपको, वन मिलता है। इवेल्युएट का मतलब आंसर हमेशा आपका न्यूमेरिक टर्म्स में आता है, 1 2 3 0 कुछ ऐसा आएगा, इसका मतलब आपका आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो अब देखिए स्फीयर की टर्म किससे मैच करती है, इससे मैच करती है क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है और कोस आ रहा है, लेकिन साइन और कोस ऐड आने चाहिए। क्या यहाँ पे है, नहीं, एक साइन है तो दूसरा साइन है, जबकि ये दोनों क्या होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए कोस, ये तो समझा गया, मतलब यूज यही होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। क्या एफर्ट करना है इसको देखो ध्यान से, दूसरा स्टेप क्या है, जो ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको साइन कोस ये चीजें, इसके लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो ध्यान से इनके एंगल देखो, पहला एंगल है 63 और दूसरा एंगल कितना है 27, दोनों को ऐड कर दो 90 बनेगा आपका, बन रहा है 90। यस, जब आपका 90 बनता है तो उस केस पे क्या होता है, चेंज होते हैं, साइन को आप कोस भी लिख सकते हो, टेंजेंट को कोट लिख सकते हो और सेकेंट को कोसेकेंट लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये हमने पहले भी रीड कर चुके हैं। अब देखिए बहुत इजी तरीका है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि आपके पास साइन है तो आप उसको कोस लिख सकते हो यदि उसके एंगल को चेंज कर दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, तो यदि आप उसके एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं तो वो चेंज हो जाता है दूसरे फंक्शन में, तो साइन है तो आपको कोस मिल जाएगा, कोस है तो क्या मिल जाएगा आपको साइन मिल जाएगा। तो हम यही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन है, ये मैंने कोस साइन स्क्वायर ही लिखा, कोई चेंज नहीं करा। अब यहां पे एंगल कितना है 27 है, तो मैं आप देखो कैसे लिख सकता हूं, मेरे पास साइन 27 है, तो यदि आप इसको एंगल को चेंज कर देते हो 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 27 करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा, तो ये साइन जो है वो चेंज किसमें हो जाएगा कोस फंक्शन में, दोनों का आंसर सेम आता है। यही ट्रिक हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट में कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है आपके 10th लेवल के अकॉर्डिंग उसको समझिए। यदि आपके पास ऐसे फंक्शन गिवन है साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले आप उसको इस फॉर्म में लिखो साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि आपको चेंज कैसे हो रहा है वो भी दिखाना है। आप देखिए कैसे करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हम एक को चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो ये साइन और ये कोस बनाना है, तो ये कोस को क्या बनाना है यहाँ पे साइन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
कॉस 17 डिग्री, इसका भी स्क्वायर, और इसको नहीं चेंज करते क्योंकि इसको आपको सेम रखना है। आप देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम इसको। वैसे तो एक लाइन का क्वेश्चन था ये, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आपका क्वेश्चन दो नंबर में चार नंबर में आता है तो सोल्व कैसे करना है उसका प्रॉपर स्टेप से करना पड़ेगा आपको। प्लस साइन को क्या लिख सकते हो आप, हम क्या कर रहे हैं, ये 27 था तो इसको 90 - 63 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 ही बनेगा, कोई चेंज नहीं करा। लेकिन हमें पता है 90 में से माइनस करने से क्या होता है, साइन फंक्शन चेंज हो जाता है कोस फंक्शन में, तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 17 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 - 73 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम कर रहे हैं सॉल्व इसको, ये साइन स्क्वायर ही लिखेंगे इसको। अब साइन यदि 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और एंगल यहां पे कितना आ गया 63, तो ये क्या बन गया कोस स्क्वायर 63। ऐसे ही डिवाइड में ये क्या बन गया साइन 73 स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया, प्लस में cos स्क्वायर 70। इतना समझ आ गया। अब ये देखो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, एंगल देखो एंगल सेम होना चाहिए, जैसे आपके थीटा है तो यहां भी थीटा होना चाहिए, यहां पे 63 है तो यहां पे भी 63 होना चाहिए, दोनों सेम है। ऐसे यहां पे 73 है और यहां पे 73 है, तो देखो एक sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या बन गया 1/1, आपका आंसर कितना हो गया 1 आंसर आ गया। यूजिंग आइडेंटिटी आपको लिखना पड़ेगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी आपने, फर्स्ट आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये मैंने आपको करने का तरीका बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे अब आपको पता चल चुका है कैसे, अब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जब दिखाई देता है यहाँ 27 है, तो यदि आपको कोस में चेंज करना है तो इसका एंगल चेंज कर दो 90 माइनस करके, और इसको किस में लिख सकते हैं, कोस में लिख सकते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Third question का second part evaluate करना है। अब ध्यान से देखिए sine, cos, cos, sine, ऐसी तो कोई form दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये sine, sine, दो बार है, दो बार sine, sine मिल जाए तो sine square बनता है, दो बार cos, cos आ जाए तो cos square बनता है, तो sine square और cos square तो इस identity से आता है, इसका आंसर कितना आता है 1, तो इसका आंसर आएगा 1, कि मेरे को satisfy कर गया। लेकिन इसके रूल ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट से मान लेते हो, इसके लिए कुछ रूल्स है। क्या रूल है, पहले तो देखो कि क्या ये चेंज हो सकते हैं, यहां देखो दोनों एंगल को ऐड कर दो 65 और 25 कितना होता है 90 होता है, इसका मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप एक दूसरे को चेंज कर सकते हो। यदि इसका एंगल चेंज करोगे तो साइन फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा कोस में, ये चीज अब यहां कर रहे हैं। अब जैसे ये साइन था इसको साइन ही लिखा हमने, कोस है इसको एंगल को चेंज कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, इसमें पजल होते हो तो आप देख लो ऐसे करके 25 प्लस में कितना है 65, ये किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के, तो मैं किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं 65 डिग्री की, तो 65 डिग्री किसके इक्वल हो गया 90 - 25 डिग्री के, तो मैं अपने 65 को हटा दिया और क्या लिख रहा हूं उसकी जगह 90 - 25। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो यदि आपको समझ आ गया तो। प्लस इसको cos ही रहने देते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे अब 65 है, 65 को फिर वही कर दो 90 - 25, और आपको पता है 90 माइनस चेंज करते हैं तो साइन फंक्शन चेंज होता है, तो अगले स्टेप में इसको चेंज करके दिखाना है, तो ये तो साइन 25 ही रहेगा। अब cos किस में चेंज हो जाता है साइन में, और एंगल क्या है आपका 25, तो आपने देखो 65 को 25 कर दिया तो एंगल cos किस में चेंज हो गया साइन में। ऐसे यहां देखो ये cos 25 है, साइन किसमें चेंज हो गया आपका कोस में, और 90 - 25 कितना हो गया, सॉरी एंगल कितना हो गया 25। ये मैंने एक स्टेप बड़ा करके दिखाया है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज क्या करना है, यदि साइन है ये कोस है,
आप इसके अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री करके लिखना चाहते हो, 90 माइनस करके लिखना चाहते हो, तो इसको चेंज कर देना, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन 25 कर देगी। ऐसे ही ये साइन 65 था, कॉम्प्लीमेंट्री लिखना चाहते हो तो 90 माइनस 65 कितना होता है 25, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया कोस, तो कोस 25 बन गया। अब देखिए क्या बन गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर 25। दोनों एंगल देखो सेम है, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 1, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां मेंशन कर देना बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड ऑल द बेसिक्स। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी टाइप से एक एक पार्ट को वेरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इस पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, और वेट करिए सेकेंड पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑन वर्ड्स, सो प्लीज डू कमेंट। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट इट। यदि आपको अच्छी नहीं लगी तो जस्ट इग्नोर इट। सो आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो कंटिन्यूसली। थैंक यू वंस अगेन।